सो वॉट्स गुड एवरीवन, आज हो रही है 28th of April, टाइम हो रहा है सुबह के 8 AM एंड मैं आ चुका हूँ हेलमेट वर्ल्ड यानी अरोरा ऑटो एजेंसी, जिसके वीडियोस आपने पहले भी काफी बार देख चुके होंगे, बट अभी यहाँ पर काफी एक अच्छा नया वाला कलेक्शन आ चुका है, इंक्लूडिंग जैकेट्स, हेलमेट्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पर एकदम ब्रांड न्यू आई है, तो आज हम वही कवर करने वाले। सो वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो सबसे पहले हमारे साथ है विनय भाई, हेलो, एक बार हेलो कर दो व्यूवर्स को भी। सो गाइस एज यू कैन सी काफी अच्छा खासा कलेक्शन यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिख रहा है, तो फटाफट से हम हेलमेट से ही स्टार्ट करते हैं। तो विनय भाई, जो अपन ने लास्ट टाइम में ये थंडर वाली पूरी सीरीज कवर करी थी, ये तो अपन का लास्ट टाइम का हो चुका था, अभी मुझे यहाँ पर एक्सोर की एक पूरी के पूरी नई सीरीज दिख रही है, तो इनको स्टार्ट करते हैं। एक्सोर के प्रीमियम सेगमेंट में कार्बन फाइबर आ जाएगा, एक्सपेंसिव है एक्सोर के अंदर, 8000 MRP का। 8000 MRP मतलब ये पूरा का पूरा एक कार्बन फाइबर हेलमेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एज यू कैन सी, अगर थोड़ा सा क्लोज बताऊँ तो जोकर आ जाएगा लिमिटेड एडिशन, ये अभी नया न्यूली लॉन्च जोकर हेलमेट है, राइट। और इसके साथ में अभी इरिडियम वाइजर भी फ्री मिल रहा है। सो गाइस, अगर आप ये हेलमेट अभी लेते हो तो 1050 rupees का इरिडियम वाइजर आपको फ्री मिलता है, एंड मतलब यार काफी प्रीमियम लुक, पूरा का पूरा जोकर का फेस बना हुआ है, यहाँ पर आपको आईज दिख रही है, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा माउथ दिख रहा है, यहाँ पर ऊपर की साइड में हेयर स्टाइल भी आपको देखने को मिलती है, पीछे जोकर की ब्रांडिंग, मतलब काफी डिसेंटली प्रेजेंट करके एक बहुत ही खोखार सी चीज हमारे सामने रख दी है। इसकी MRP क्या आती है? 6500, और वो वाइजर अभी फ्री है, वरना उसकी 1000 rupees अलग लगते हैं। ये मतलब क्योंकि ये थोड़ा बहुत AGV टाइप का लुक दे देता है, पूरा का पूरा ब्लैक है, अगर इसमें ब्लैक वाइजर लगा लो तो मतलब एक काफी डार्किश लुक आपको मिल जाता है। इसकी क्या प्राइस आती है? 5000। ये दोनों हेलमेट सेम ही है, और ग्लॉसी ब्लैक वाला भी सेम है, बस ये वाला जो ग्राफिक्स है इसके नाम आपको दे रखे हैं यहाँ पे, और उसी के ऊपर वाली रैक में यहाँ पर न्यूली लॉन्च्ड वेगा का बोल्ट हेलमेट देखने को मिलता है। तो भाई इसमें से सबसे बढ़िया वाला पीस निकाल के दिखाओ। सो गाइस, ये हमारे सामने वेगा बोल्ट का बनी, एज यू कैन सी यहाँ पर बनी बना हुआ है, पीछे की साइड में एक छोटा सा स्पॉइलर भी मिल जाता है, वेगा की ब्रांडिंग, और मतलब काफी अच्छे ग्राफिक्स आए इस बार, और इसी वाले के अंदर में आपको अलग अलग कलर्स भी मिल जाता है, एज यू कैन सी यहाँ पर आपको ब्लू और येलो का शेड मिलता है, बोल्ट हाइपर भी आ जाएगा व्हाइट एंड ब्लैक। ओके, इसी में भाई ने जो कस्टम हेलमेट किया एक बार जरा वो भी दिखाओ। तो ये है अपना वेगा की तरफ से आता हुआ AGV, एज यू कैन सी यहाँ पर VR46 की भी ग्राफिकिंग की गई है, यहाँ पर AGV की स्टिकरिंग की गई है, स्पॉइलर तो आता ही है, यहाँ पर भी आपको AGV के स्टिकर्स मिल जाते हैं, प्लस AGV का हेलमेट जो कि इसी ग्राफिक्स के अंदर में आता है, ये भाई मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। इस डिजाइन के लिए भी अगर मैं आपको मार्क्स देना चाहूंगा तो 10 out of 10 दूंगा, क्योंकि एक नजर में तो कोई भी बंदा नहीं बता पाएगा कि ये वेगा है या AGV। तो इसकी क्या प्राइसिंग आती है? 2500। ये क्योंकि ग्राफिक्स आपने खुद ने इसको कस्टम किया है, इसलिए 2500 की। इसमें एक प्लेन ग्लॉस ब्लैक आता है हेलमेट, ये मैट फिनिश में, हाँ। उसमें ग्लॉस ब्लैक होता है, उसमें AGV की स्टिकरिंग आगे होती है और एक पीछे होती है, मतलब वो वाला हेलमेट सेम मेरे ओरिजिनल AGV जैसा दिखने में है, तो उसकी फोटो यहाँ पर दिख जाएगी आपको, वो 2000 का पड़ जाएगा, वो 2000 का है। और अगर इन वाले की बात करें तो वेगा ओरिजिनल, मतलब जो ये बिना किसी छेड़छाड़ के आता है, इनकी क्या प्राइसिंग है? इसके भी 2000 ही है। ओके, ऑल्सो गाइस आए हैं तो यहाँ पर इसको भी तो कवर करना बनता है। तो ये है स्टड्स की तरफ से न्यूली लॉन्च स्टड्स ड्रिफ्टर, मतलब काफी रिसर्च करने के बाद में इस हेलमेट को बनाया गया है, क्योंकि थंडर भाई काफी ज्यादा कॉमन हो गया था। एज यू कैन सी यहाँ पर ये जितने भी ग्राफिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये ऑलमोस्ट सबके पास में मिलेंगे, बट अगर आपको कुछ अलग थोड़ा सा प्रीमियम चाहिए स्टड्स में तो आप ड्रिफ्टर की तरफ में जा सकते हैं, काफी अच्छे से ग्राफिक्स आपको देखने को मिलते हैं, एंड जो शिफ्टर के अंदर पैडिंग आती है समवॉट वैसी पैडिंग आपको मिल जाती है। तो भाई इसकी प्राइस क्या आती है? ये आती है 2550। ओके, तो ये हेलमेट आता है ड्यूअल वाइजर के साथ में, मतलब यार मुझे इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है थंडर से, ये बहुत प्यारा लग रहा है ब्लू नियॉन वाला, मतलब ये कुछ अलग ही चीज लग रही है, ये तो चलो सेम ही हो गया बस ग्लॉस के अंदर में, ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। तो अगर आप लोग थंडर से हटके कुछ ऑप्शन चूज करना चाहते हैं तो आई गेस दिस कैन बी वन ऑफ दोज ऑप्शंस। थंडर में हमें बीच में ऑफर भी निकाला था कुछ कुछ में, जैसे ये 1900 का है, ये सिर्फ 1500 के अंदर आपको मिल जाएगा, वो उसके ऊपर लिखा हुआ भी है आपने नेट प्राइस, ये सिर्फ स्टॉक क्लियरेंस के लिए है, बाद में ये रेट कभी नहीं मिलनी आपको। सो गाइस यहाँ पर भी एक रैक है जिसमें आपको लिमिटेड स्टॉक मिल सकता है, इसके अंदर में काफी सारे हेलमेट्स हैं जिनके ऊपर में प्राइसिंग ऑलरेडी लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पर 1049, इसके ऊपर 1499 और ये वाला 1485, और ऐसे मतलब बहुत सारे स्टॉक यहाँ पर पड़े हैं, तो ये भैया ने स्टॉक क्लियरेंस के लिए
लिए लगा रखा है, ये वाली प्राइसेस बाद में कभी नहीं आएगी, राइट। ऑल्सो गाइज आपको यहाँ पर बेसिक हेलमेट्स भी मिल जाएंगे जो कि हमारे रोजमर्रा में काम आते हैं, काफी सारी रेंज यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी बेसिक। भाई इनकी प्राइसेस भी बता दो कि कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है। 800 से स्टार्ट हो जाएगी और कहाँ तक जाती है, 2000 तक आप जाओ। ओके सो गाइज एज यू कैन सी यहाँ पर ऑलमोस्ट हर ब्रांड के कीचेन आपको मिल जाएंगे, वेदर इट्स हीरो, यहाँ पर आपको होंडा का देखने को मिल रहा है, MM93 का, पल्सर, यामाहा, KTM, रॉयल एनफील्ड, VR46 जो कि हमारा बहुत ही ज्यादा कॉमन है, मॉन्स्टर एनर्जी का मिल जाएगा, रेडबुल का मिल जाएगा, ये होंडा का मिल जाएगा, यामाहा का मिल जाएगा, इवन AGV ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। इन कीचेन की क्या प्राइस है? इनकी प्राइस 40 रुपीज। ओके और भाई यहाँ पर ये लॉन्ग वाले कीचेन पड़े, इनकी क्या प्राइसेस है? इनकी 70 रुपीज। ऑलमोस्ट सारे सेम ही है यहाँ पर आपको, द डॉक्टर, जावा, VR46, महाकाल के, तिब्बत फ्लैग के, रॉयल एनफील्ड के, और हमारा सबसे ज्यादा डिमांडिंग BMW M Sport का। उसके अलावा यहाँ पर एक ग्लव्स की भी काफी बड़ी रेंज है, तो भाई ग्लव्स अपने पास में कौन से अवेलेबल है? ग्लव्स अपने पास प्रो बाइकर मिल जाएंगे विद फिंगर टच, स्टड्स मिल जाएगा, स्काला भी आएगा, स्काला भी बीच में भी आया था, आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। और अगर ग्लव्स की बात हो ही गई तो यहाँ पर मुझे एक जैकेट देखने को मिल रहा है, तो ये जैकेट की क्या प्राइस रेंज आती है? इस जैकेट की 5000 MRP है और इसकी 6000, इसके साथ में रेन लाइनर भी मिल जाएगा। तो ये दो जैकेट यहाँ पर अवेलेबल है, एक के अंदर में रेन लाइनर आता है, ये वाला अपना एक प्रॉपर मेश जैकेट अपन जो ऑल वेदर में यूज कर सकते हैं वो वाला है, राइट। तो भाई इतने गेयर्स की बात करी लिए, तो लास्ट जो अपने पास में चीज बची है वो भी दिखा दो इन लोगों को। सो गाइस यहाँ पर स्कॉइको के एज यू कैन सी नी और एल्बो गार्ड्स दोनों आपको देखने को मिल जाते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी में, मतलब प्रो बाइकर के थोड़ा सा बजट वाले भी है हमारे पास में, बट इसकी प्राइसिंग क्या आ जाती है भाई? 1850। और प्रो बाइकर वाले? प्रो बाइकर 1100 के और BSJT 1200। ओके तो मतलब आपके पास में 1000 से 2000 तक की रेंज में नी गार्ड्स भी अवेलेबल है। ऑल्सो गाइस क्लासिक हेलमेट्स को भी कवर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो एज यू कैन सी यहाँ पर स्टड्स के इस टाइप के क्लासिक हेलमेट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे ये सेकंड ग्राफिक्स में। और भाई यहाँ पर भी मुझे काफी एक्सेसरीज दिख रही है, तो इनके बारे में भी बता दो जरा। हेलमेट माउंट आ जाएंगे अपने पास तीन तरह के, एक तो टेलीसन का आता है वी वाला, 800 का आ जाएगा, ये भी मैं यूज करता हूँ उस टाइप का, ये ना। और एक आ जाएगा टेलीसन का। Okay. इसमें आपका कोई भी हेलमेट हो उसके अंदर सेट हो जाएगा। ये काफी मतलब बड़ा सा और प्रीमियम सा लग रहा है, एक बार खोल के दिखाना जरा। तो भाई इसकी क्या प्राइसिंग आती है? इसकी 1300। जिनके पास कैमराज नहीं है, GoPros नहीं है, उनके लिए ये भी लाए हम मोबाइल होल्डर, आप इसको यूज कर सकते हो हेलमेट पे। तो मतलब ये हेलमेट के ऊपर में लग जाएगा और यहाँ पर अपना मोबाइल अटैच कर सकते हैं अपन। इसकी क्या प्राइसिंग है? इसकी प्राइस 980। शू गार्ड भी मिल जाएगा अपने पास, ये अपने शू पे लगा के अपन जब बाइक के गियर चेंज करते हैं तो उससे अपना वाइट शू गंदा नहीं होता है। मोबाइल होल्डर भी मिल जाएंगे नॉर्मल अगर चाहिए तो 200 के अंदर, विदाउट चार्जर, विद चार्जर आएगा 350, और इससे भी अच्छी सुपीरियर क्वालिटी चाहिए तो ये आ जाएगा 480। ये वाला अपना एल्यूमिनियम CNC का है ना, ये भी काफी अच्छी क्वालिटी का हैवी मटेरियल का है, और इससे भी ऊपर चाहिए तो ये वाटर रेजिस्टेंट विद कवर आ जाएगा, ये भी मिल जाएगा आपको 580 में। नॉर्मल चार्जर चाहिए तो नॉर्मल चार्जर मिल जाएगा सिर्फ 150 के अंदर। डिस्क ब्रेक लॉक स्पोर्ट्स बाइक के सब में यूज हो जाएगा ये 180 में। तो मतलब इससे अपन की गाड़ी को सेफ्टी मिल जाती है कि आसानी से चोरी ना हो। चेन ब्रश आ जाएगा चेन क्लीन करने के लिए, स्टिकर्स मिल जाएंगे बी पॉजिटिव, GoPro, एक स्टिकर कितने का पड़ता है? एक स्टिकर 30 रुपीज का, और अगर पूरा का पूरा पैकेट ले तो पूरा 50। सो इस टाइप की हेलमेट लाइट्स भी हमको मिल जाती है, ये तो आई गेस येलो कलर में है, येलो कलर में है, और ये नियॉन ब्लू, ये नियॉन ब्लू कलर में। ऑल्सो गाइस यहाँ पर हेलमेट के गॉगल्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, मतलब ये वाले गॉगल्स अपन ऑफ रोड हेलमेट्स और जो हाफ फेस हेलमेट होते हैं उन पे बहुत इजीली पहन सकते हैं। एक बार दिखाना इसको निकाल के, इरिडियम टाइप का गॉगल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, इसमें भी डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है, टिंटेड भी मिल जाएगा ब्लैक कलर में एज यू कैन सी। ये वाला तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, मतलब जिन्होंने KGF मूवी देखी है उनको ये वाले गॉगल्स तो डेफिनेटली पता ही होंगे। 295 है और इसमें अलग अलग रेट्स है, 450 का भी है, टिंटेड 400, ये वाला 350 का आ जाएगा। ऑल्सो गाइज यहाँ पर भैया ने निकाल दिए बहुत सारे अलग अलग स्पॉइलर, मतलब ये टोटली यूनिवर्सल स्पॉइलर है, किसी भी हेलमेट में लगा सकते हैं, और ये पर्टिकुलर थंडर के लिए बना। सो गाइज अगर आपको एक छोटा सा नमूना दूं तो ये वाला बिना स्पॉइलर का एज यू कैन सी बहुत ही ज्यादा क्लीन और एकदम बल्कि सा लग रहा है, यहाँ पर स्पॉइलर लगते ही ये काफी स्लीक सा लुक देने लग गया है, तो आप रिकमेंड करते हो या नहीं इसके लिए? रिकमेंड करते हो, और कंपनी ने अभी इसका ऑफर भी निकाला है। ओके इसकी प्राइस भी सेम है, इसकी प्राइस भी सेम है, एक स्पॉइलर फ्री दे रही है
और एक क्लियर वाइज तो लगा ही है, इसके साथ में जो थंडर के साथ मिनट वाइज आता था वो भी फ्री है 240 rupees का। ऑल्सो गाइस हेलमेट के एक्सेसरीज में से स्पॉइलर नहीं है, इस टाइप के पार्ट हो गए या फिर जितने भी स्क्रूज हो गए ये सारी चीजें भी अपने पास में राइट आइटम सब है। मतलब अगर आपके हेलमेट में पीछे वाली हिस्से से कुछ भी टूट जाता है तो भैया उसको वापस लगा के दे सकते हैं। तो मतलब मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि हेलमेट से रिलेटेड कोई भी चीज हो तो आपके पास आ सकते हैं। ऑल्सो गाइस विनय भाई ने अपना खुद का कस्टम हेलमेट यहाँ पर रेडी किया था, तो ये अपना निंजा इलाइट है जो कि इस टाइप का हेलमेट आता है ब्लैक कलर में। इसको इन्होंने पूरा का पूरा स्टिकर से रैप करके उसके ऊपर क्लियर कोट करके इसको रेडी किया। एक बार पूरा ऐसे 360 व्यू दिखाना इसका, काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है, मतलब ये लग ही नहीं रहा एक नजर में कि निंजा इलाइट है। प्लस इसका ये जो वाइजर है इसमें भी काफी डोप लुक आ रहा है। तो सेम हेलमेट आपने हमारे राहुल को रेडी करके दिया था, करके दिया था और ऋषि भैया को करके दिया था, तो दोनों की फोटो यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रही है। तो इस टाइप का हेलमेट अगर किसी को रेडी करवाना है तो क्या रेट लगती है? 1200। सो गाइस आप कोई भी हेलमेट लेके आ जाइए, इस टाइप का रेडी करवाने में 1200 rupees एक्स्ट्रा लगेंगे हेलमेट की प्राइस से। ऑल्सो भाई ऊपर मुझे बहुत सारी बॉटल्स दिख रही है, तो ये सारी क्या चीजें हैं? जिनको भी थोड़ा सा ऐसे रेजिड्यू पसंद नहीं है अपने हाथों पे वो डायरेक्टली इसी को लगा सकते हैं। इसमें ब्रश भी आता है, दिखाना एक बार। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्टली अपनी चेन पे इस तरीके से अप्लाई करना है। ब्रश भी यही पर है तो क्लीनिंग भी साथ ही में हो जाती है। हेलमेट क्लीन मिल जाएगा विस्टा का, जो अंदर की फॉर्मिंग है उसको जर्म्स क्लियर कर देगा और जो भी मिट्टी है थोड़ी बहुत वो क्लियर हो जाएगी इससे। तो इसका भी एक छोटी सी क्लिप यहाँ पर आ रही है साइड में। विस्टा की नॉर्मल पॉलिश आ जाएगी, टू व्हीलर फोर व्हीलर किसी में भी यूज हो सकती है। इसमें एक आती है वैक्स पॉलिश, जिसकी गाड़ी मैट है उसको यूज करनी तो उसके लिए बेस्ट है, तो उसमें फिर वो मिट्टी जैसी चीजें नहीं पकड़ती है। हमारे पास हेलमेट ब्लूटूथ भी मिल जाएगा सिर्फ 1800 rupees के अंदर विद फिटिंग, कोई भी हेलमेट के अंदर हो हम आपको फिट करके देंगे। तो ये भी एक वर्थ बाइंग प्रोडक्ट हो सकता है। तो गाइस ऐसा कुछ ब्लॉग था हमारा हेलमेट वर्ल्ड का यानी अरोरा ऑटो एजेंसी का। तो कोई भी क्वेरीज रह जाती है तो इस वाली स्लाइड के बाद में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर मुझे या हेलमेट वर्ल्ड जोधपुर को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। बाकी कमेंट सेक्शन तो आप ही लोगों का है। सो दैट्स फॉर द वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक इट, इफ यू डिड प्लीज गिव इट अ थम्स अप। जल्दी मिलता है ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।